ऑटोकैड रिवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीखने के लिए। 7 दिन का चैलेंज है, डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ऑटोकैड के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो भी सब डिस्कस किया है तो वो सारे के सारे जो भी कमांड्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और आप उसके रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आज हमारा ऑटोकैड रेडी का 3rd लेक्चर है और यहाँ पे मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपने अपने पीसी में ऑटोकैड का ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन कर दिया होगा और यहाँ पे ये जो वर्क स्पेस है तो वो भी आपने चेंज कर दी होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आज का ये जो लेक्चर होने वाला है वो एक्सट्रूड कमांड के बारे में होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड का कुछ अलग ही यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमने प्रीवियस लेक्चर में बॉक्स कमांड के बारे में डिस्कस किया था तो यहाँ पे मैं फिर से आपको यहाँ पे कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे फ्री हैंड मतलब विदाउट डायमेंशन अगर मैं ये शेप को मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि सिंपल मैंने क्या किया, फर्स्ट क्लिक की, सेकेंड यहाँ पे क्लिक किया और थर्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉक्स कमांड की मदद से इस ऑब्जेक्ट को 3D में आसानी से मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से इस एग्जांपल को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सट्रूड कमांड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो एक्सट्रूड कमांड की मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को 3D में डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर हमें एक्सट्रूड कमांड की हेल्प लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट का 2D में होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट 2D में ड्रॉ होना बहुत ही ज़रूरी है, फिर उस 2D ऑब्जेक्ट को हम आसानी से 3D ऑब्जेक्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को, कोई भी 2D शेप को हम आसानी से 3D ऑब्जेक्ट में ड्रॉ कर सकते हैं इस एक्सट्रूड कमांड की मदद से। ठीक है, ये एक्सट्रूड कमांड है तो उसकी मदद से हम आसानी से उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने ऑटोकैड 2D को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो क्या होगा कि सारे के सारे जो भी कमांड्स हैं वो जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे और फिर आप उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाओगे और फिर आपको आप फिर कोई भी ड्राइंग आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम एक्सट्रूड कमांड का यूज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, कि जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड को मैं अभी यहाँ पे ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड को आप यहाँ पे ये जो ड्रॉ टूल बार है तो वहाँ से भी आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर REC, ठीक है, REC आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड को आप यहाँ पे ऑन कर दीजिए। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड को ऑन कर दीजिए, फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर और यहाँ पे लास्ट कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है वो 2D में ड्रॉ हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे X डायरेक्शन, यहाँ पे Y डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो भी हम हाइट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो Z डायरेक्शन की ओर यहाँ पे ड्रॉ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अभी हमें क्या करना है, 3D में हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, सिंपल यहाँ पे ये जो 2D ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर हमें क्या करना है, इस एक्सट्रूड कमांड को यहाँ से उसको ऑन करना है, क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितनी आसानी से यहाँ पे 3D में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि हाइट जो है तो वो हमें सिंपल यहाँ पे रख देना है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 6000 आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे इसी विजुअल स्टाइल में क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो शेड्स ऑफ ग्रे है तो वो हमने यहाँ पे सिलेक्टेड यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप 2D वायर फ्रेम में करोगे तो इस तरह से ये यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये फिर से मैं शेड्स ऑफ ग्रे में कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ये जो 2D शेप था, ठीक है, रेक्टेंगल जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो 2D में था तो हमने यहाँ पे उसको 3D में आसानी से एक्सट्रूड कमांड की मदद से उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अभी हम सर्कल को देखते हैं। ठीक है, सर्कल अगर हमें सिलेंडर जैसा कुछ बनाना है तो यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल कमांड को ऑन करेंगे। सर्कल के लिए आप यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में जाके यहाँ पे सर्कल कमांड को भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, सेंटर और रेडियस की मदद से, या फिर आप सही ऐसा टाइप कर दीजिए और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है,
यहाँ पे अभी हमें हम यहाँ पे एक सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इस 2D शेप को, ये जो सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो अभी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे उसकी हाइट डालनी है, तो यहाँ पे 5000 में यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्कल को हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल जो भी शेप है उसमें हमने यहाँ पे आसानी से कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी 2D शेप को, ठीक है, कोई भी 2D शेप को, कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में एक्सट्रूड कमांड की मदद से आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम पॉलीगॉन को भी देख लेते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन जिसके बहुत सारे शेप होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, पॉलीगॉन के लिए यहाँ पे POL ऐसा आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके ये जो उसकी यहाँ पे शॉर्टकट की वही है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें साइट्स के बारे में पूछेगा। देखिए यहाँ पे आपको शायद बेनिफिट करेगा कि ये सारे जो भी कमांड्स है उसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, इसीलिए ये सारे के सारे जो भी प्रोसीजर है वो आपको आसानी से समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइट पूछेगा, तो आप यहाँ पे 6, 7 कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंटर पूछेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इंस्क्राइब इन सर्कल, तो यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने 2D में यहाँ पे पॉलीगॉन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो पॉलीगॉन जो 2D में है उसको हम हमें अभी 3D में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, एक्सट्रूड कमांड को क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे उसके यहाँ पे जो थिकनेस है, जो हाइट है, वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 7000 हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कितनी आसानी से ये जो 2D में जो शेप था पॉलीगॉन, तो हमने यहाँ पे उसको 3D में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी, कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लाइन कमांड का यूज़ भी यहाँ पे देख लेते हैं। लाइन कमांड का सिंपल लाइन है, लाइन कमांड की मदद से हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी है कि लाइन कमांड की मदद से हमने यहाँ पे जो प्लान है वो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको अभी एस्केप। तो हमने यहाँ पे लाइन कमांड की मदद से यहाँ पे ये जो शेप है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। लेकिन लाइन कमांड में यहाँ पे आप एक्सट्रूड कमांड को अगर यूज़ करोगे तो मैं उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर आप कोई भी इंडिविजुअल लाइन भी आप सिलेक्ट करते हो और उसको आपको यहाँ पे 3D में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली उस ये जो लाइन है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ये जो एक्सट्रूड है वो आप यहाँ पे करोगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो बाकी के सारे जो भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वो प्रॉपरली थिकनेस में यहाँ पे कन्वर्ट हुए है। जैसे कि ये जो प्रॉपरली ये जो ग्रे शेप है, ठीक है, तो वो यहाँ पे 3D में जो यहाँ पे कन्वर्ट हुए है, तो उसके यहाँ पे कुछ ना कुछ थिकनेस है, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हुए है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, तो वो यहाँ पे सरफेस यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे सरफेस में यहाँ पे ड्रॉ हुए है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली, ऐसा नहीं है कि ऑटोकैड 2D, ऑटोकैड 3D, YQR प्लगइन जैसे शॉर्टकट के माध्यम से आप ऑटोकैड को डिटेल में सीख सकते हो। इस स्किल का इस्तेमाल करके आप अर्न भी कर सकते हो। प्लान एलिवेशन सेक्शन बनाकर आप अपना करियर बना सकते हो। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, डेफिनेटली आप इसका हिस्सा बनिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। एक पिज्जा के प्राइस से भी ज्यादा कम हमने प्राइस रखा है। रिवोल्यूशन आना चाहते हैं ऑटोकैड इंडस्ट्री में, और ऑटोकैड सभी को आना चाहिए चाहे किसी भी फील्ड से हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से हिस्सा बनिए, सीखते रहिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे सिंगल यहाँ पे लाइन हमने यहाँ पे उसको सिलेक्ट किया, उसकी वजह से यहाँ पे हुआ है। आप यहाँ पे एक काम कीजिए, पूरी के पूरी जो भी लाइन है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सारे के सारे लाइन यहाँ पे नहीं हुई है। हम इसको एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्शन विंडो की मदद से ये जो पूरे जो भी शेप है तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो सारे के सारे जो भी दूसरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने ड्रॉ किए थे, मतलब यहाँ पे 2D से हमने उसको 3D में कन्वर्ट किया था,
तो वो सॉलिड में हुआ था, और ये जो आप देख रहे हो सारे के सारे फील है, ठीक है, उसकी सारी के सारी थिकनेस है, तो वो सॉलिड में हुए हैं। और यहाँ पे ये जो सारे के सारे जो भी अभी यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं तो वो सरफेस में हो रहे हैं, ठीक है, उसकी कोई थिकनेस नहीं है। तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे हमने लाइन कमांड का यूज़ किया है, उसकी वजह से हुआ है। और यहाँ पे ये सारे के सारे जो भी लाइन है, ठीक है, वो कनेक्टेड भी नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये सारी जो भी चीज़ें वो यहाँ पे इस तरह का रिजल्ट हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पॉली लाइन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर पॉली लाइन में होगा, ठीक है, यहाँ पे ये सारे जो भी हमने शेप यहाँ पे ड्रॉ किए थे, पॉलीगॉन है, सर्कल है, फिर यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो वो सारे के सारे जो भी यहाँ पे शेप थे तो वो यहाँ पे कनेक्टेड थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे कनेक्टेड थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है वो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कनेक्टेड करना पड़ेगा। सिंपल चीज़ है, पॉली लाइन कमांड की मदद से, या फिर हम यहाँ पे एक कमांड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जे कमांड, जे फॉर जॉइंट, ठीक है, जे कमांड, जे फॉर जॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो शेप अभी हुआ है तो वो अभी पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से शॉर्टकट कमांड का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, एक्सट्रूड कमांड कर दिया, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो 3D में कन्वर्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे सरफेस में नहीं, लेकिन यहाँ पे पूरे सॉलिड में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। अगर यहाँ पे आपने, अगर आपको यहाँ पे, चलिए एक मिस्टेक आपको यहाँ पे पता चल गई कि यहाँ पे लाइन कमांड की मदद से आपको यहाँ पे कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, अगर आपने ड्रॉ कर दिया है तो फिर आपको पॉली लाइन में उसको कन्वर्ट करना है, ये आपको पता चल गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पॉली लाइन कमांड ही सबसे पहले ले लिया, चलिए यहाँ पे पॉली लाइन, ठीक है, पॉली लाइन यहाँ पे सबसे पहले आपने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आप शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो मोड को मैं यहाँ पे थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, अभी हम यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे पॉली लाइन की मदद से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे ये जो ड्राइंग है वो पॉली लाइन से तो ड्रॉ हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रूड में उसको कन्वर्ट करूँगा तो फिर से वो यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, वो फिर से यहाँ पे सरफेस में ही दिखाएगा। तो यही एक बिगेस्ट फिर से प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह का फिर से यहाँ पे सेम रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे ये जो शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है तो वो उसका यहाँ पे गैप यहाँ पे बाकी रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आपको यहाँ पे लाइन कमांड की मदद से, ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे शेप आपने क्रिएट किया है और वो 2D में है और आपको उसमें 3D में कन्वर्ट करना है, और वो यहाँ पे ये जिस तरह से हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है तो उस हिसाब से वहाँ वो सॉलिड में होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले वो सारी के सारी जो भी लाइन है उसको आप यहाँ पे जॉइंट कर दो, मतलब पॉली लाइन में कन्वर्ट कर दो। और दूसरा जो भी फोकस है तो वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये जो गैप है वो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे फिल कर देना चाहिए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे रिजल्ट देखिए, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ और एक्सट्रूड कमांड की मदद से फिर से हमें इसको 2D to 3D में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे इस तरह का रिजल्ट यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर आपने कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ किया है और आप चाहते हो कि इस तरह का, मतलब आप चाहते हो कि 3D में कन्वर्ट हो और आप ये चाहते हो कि ये इस तरह से कन्वर्ट हो, ठीक है, ये जो सॉलिड है वो उस तरह से कन्वर्ट हो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो सारी के सारी जो भी लाइन है वो आपको कनेक्टेड रखनी है, मतलब पॉली लाइन में कन्वर्ट करना है। और दूसरे ध्यान आपको ये रखना है कि वो जो लाइन आपने कनेक्टेड की है तो उसमें, तो वो जो दो लाइन है तो दो लाइन के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है, वो सारे के सारे लाइन प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ जॉइंट होनी चाहिए। तो आप इस तरह से शेप को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ पे ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी जॉइंट, मतलब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फेस है, ठीक है, तो पर्टिकुलर फेस पे अगर कोई भी आपने 2D में आपने ड्राइंग किया है, जैसे कि रेक्टेंगल, अगर ये जो रेक्टेंगल आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस फेस पे, ये पर्टिकुलर फेस की बात कर रहा हूँ, कि पर्टिकुलर फेस पे अगर आपने यहाँ पे ड्राइंग किया है, प्लेन पे ड्राइंग नहीं किया है,
ठीक है, प्लेन पे ड्राइंग नहीं किया, ये सारे के सारे जो भी ड्राइंग है वो प्लेन पे हुए। लेकिन अभी यहाँ पे आपने ये जो ड्राइंग किया है वो प्लेन पे ड्राइंग नहीं किया है लेकिन फेस पे ड्राइंग किया है, ठीक है, और वो 2D में है, जैसे कि रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, सर्कल है, और उसको अभी आपको 3D में कन्वर्ट करना है, तो वो आप कर सकते हो कि नहीं, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो डायनामिक्स UCS है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो टॉगल कीज़ है, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऑफ है तो क्या होगा, हम कोई भी ड्राइंग करेंगे तो ये यहाँ पे ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो ग्रिड आपको दिख रहा है तो उसी प्लेन पे यहाँ पे सारे के सारे ड्राइंग होंगे। अगर ये यहाँ पे ऑन है तो क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर फेस हम यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, वो हाईलाइट करेगा और पर्टिकुलर फेस पे ही सारे के सारे यहाँ पे ड्राइंग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल कमांड को यहाँ पे ऑन किया हुआ है और यहाँ पे रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए ये जैसे मैं यहाँ पे माउस का कर्सर यहाँ पे मैं जैसे ही लेके जा रहा हूँ तो पूरा का पूरा बॉक्स यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, रेक्टेंगल पे लेके जाना है और जब तक वो हाईलाइट ना हो तब तक उसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो जो रेक्टेंगल है वो हाईलाइट हो रहा है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये सिलेक्ट हो गया है, अभी एक्सट्रूड कमांड की मदद से आप यहाँ पे उसके यहाँ पे ये जो थिकनेस है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5000 हम अभी डाल लेते हैं, देखिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी फेस पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने 2D में उसको ड्रॉ किया है और फिर आपको 3D में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने यहाँ पे अभी तक डिस्कस किया है, ठीक है, ये सारा जो भी लेक्चर में ये जो एक्सट्रूड कमांड के बारे में हमने डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपने मेरे साथ तो प्रैक्टिस की होगी, लेकिन आपको यहाँ पे 2-3 बार और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और भी ड्राइंग करने पड़ेंगे, तो क्या होगा कि ये जो सारे के सारे जो भी कमांड हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे और आप फ्यूचर में इसका अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी की जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद। ऑटोकैड रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन सकते हो, लाइफ टाइम तक सीख सकते हो। जरूर से दोस्तों सीखिए, एनरोल करिए, हिस्सा बनिए और आगे बढ़िए।